हज उम्रा और मुकद्दस मकामात की ज्यारत का अगर है अरमान तो दिल में रखिए इत्मीनान, क्योंकि आपके अपने शहर में है ज़ीशान। जी हाँ, ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स लाए हैं खुसूसी उम्रा पैकेजेस। उम्रा के मुकद्दस सफर को सहूलत बख्श और यादगार बनाने के लिए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स बेहतर से बेहतर इंतजाम करता है। तो फिर जरूर तशरीफ लाइए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स, इनायत कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर बिसाइड मोती मस्जिद, टिपू सुल्तान रोड, रायचूर, या फिर फोन पर रब्ता कीजिए 9035038 3595 3872 6665 पर भी आप रद्द कर सकते हैं। नादरी नादा बी टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। रायचूर शहर के करीबी मौजा मटमारी में रेलवे ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये इफ्तिताह रायचूर रुकने पार्लिमान राजा अमरेश्वर नायक के हाथों अमल में आया। इस ब्रिज की तामीर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से की गई। इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 45 मौजात की आवाम को यानी 45 देहातों की आवाम को सहूलत हासिल रहेगी। यहाँ की आवाम की सहूलत के लिए रायचूर रुकने पार्लिमान राजा अमरेश्वर नायक ने रेलवे वजीर से मुसलसल मुलाकात करते हुए इस मंसूबे को मंजूर कराया था, जिसकी तामीर के बाद आज उन्हीं के हाथों ये इफ्तिताह अमल में लाई गई। इस मौके पर रायचूर रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल के अलावा रेलवे मेंबर डॉक्टर बाबू राव, जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सैयद मुख्तार अहमद, रेलवे डिपार्टमेंट के कृष्णप्पा, सीनियर DN नॉर्थ रेलवे गुंटकल सिराज अहमद, तेजस्वी रेड्डी अदोनी, इनके अलावा मटमारी मोदे के अहम अफराद रुकुंदप्पा नायक, बसंत गौड़ा महांतेश स्वामी, बसवराज अस्कियाड़, वेंकटेश नायक, गारल दिन्नी और दीगर भी मौजूद थे। एलपी साहब और मैं जो भी वादा करते वो काम कर को बता रहे आप लोगों के सामने। जो मटमारी का 30 साल से अंडरपास का जो लोगों का डिमांड था, 45 विलेज लोगों का डिमांड था कि अंडरपास ब्रिज बनाओ, क्यों 2-3 घंटे वहाँ रेलवे गेट के पास कहते थे केड़े गाँव वाले पूरे ट्रैक्टर के साथ उनके साथ जो लेबर आने वाले। बहुत सालों से एलपी साहब को मेमोरेंडम दे रहे थे, मेरे को भी दे रहे थे। हम 21 साल के अंदर अंडरपास ब्रिज जो मटमारी के पास जो बना को 21 साल के अंदर बना को और उसका हमारा जो लोकल डॉक्टर सूरज पटेल साहब ओपनिंग करे उसको परसों कंप्लीट करे, लोगों के लिए बहुत अच्छा सहूलत भी हो गया। मैं खास कर को जो ये अंडरपास जो ब्रिज है 5 करोड़ का 21 साल के अंदर बनाए, डॉक्टर सूरज पटेल साहब वही बोल रहे थे कि बहुत जल्दी बनाए हैं और 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बहुत कम रेट में बहुत अच्छा ब्रिज बने बोले उनका मुँह से। ऐसो बात मैं बोल रहा हूँ मटमारी में जो अंडरपास टाइम उन्होंने बोले सो बोल रहा हूँ। मैं खासकर को एमपी साहब को और रेलवे के जो भी ऑफिसर्स इंजीनियर्स हैं DN रेंदे इंजीनियर्स रेंदे और रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव को सबको मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा लोगों के लिए सहूलत हो गया। खासकर को केड़े गाँव वाले के वास्ते बहुत अच्छा हो गया। 30 ईयर्स का ड्रीम था उन लोगों का अंडरपास होना और आते बजट में हम लोग आशापुर में भी एक अंडरपास का ब्रिज का भी पूछेस है एमपी साहब और मंचलापुर गेट के पास भी एक पूछेस है, वो भी बहुत जल्दी से हो जाता। आपको मंत्रालय को जाकर देखो वहाँ पर भी लिफ्ट का काम चल रहा, फुटोर का ब्रिज काम और रामा रेलवे स्टेशन में आप कभी गए तो उधर जाकर देखो क्या काम चल रहा बोलने का आपका मालूम हो जाता। 2-3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर देते काम, आप यकीन नहीं करते इतना फास्ट काम चल रहा है स्टेशन में। पूरा रात दिन मेहनत कर रहे और जल्दी से जल्दी पूरा काम कंप्लीट 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देते काम। अब वो अंडरपास ब्रिज बनने के बाद बहुत शॉर्ट रूट हो गया, जो मानवी से जो लोग आते थे वाया अब वो मटमर से निकल को गिलसुगोर मंत्रालय को बेंगलुरु जाने वाले को जलगरा जाने वाले को अब जितने भी विलेजेस लगते 45 विलेज लगते उनको हमारे जो लीडर्स थे लोकल के बोले कि बहुत सहूलत हो गया उनको और पूरा पब्लिक भी स्यूटिलाइज कर लेना और आज के दिन में अभी भी अच्छा काम करते बोलो हम विश्वास दिला रहे और हम प्रैक्टिकल है एमपी साहब रहते हम जो भी वादा करें प्रेस में इवेंट टीम में जो भी बोले आपके सामने काम कर को हम बता रहे आप लोगों को। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड।